अब सारा खेल यहीं से स्टार्टअप होगा आपका। अल्फाबेट अब एनर्जी को ही भाई अल्फाबेट। कोई मत बोलो यार, समझने वाला क्लास है भाई, डाउट सेशन लास्ट में होगा। ये सही बोल रहा था, अभी क्लास स्टार्ट अब होने, तो देखो प्लीज। कोई अल्फाबेट में सबसे पहले ABCD आप लोग लिख लोगे, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, मुझे तो याद है, आपको याद नहीं है, इसलिए ABCD लिख लो, EFGH I, क्योंकि ABCD जब तक नहीं लिखोगे तो ये नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख लिए। यस सर, उसके कुछ पल के नीचे लिए नर्सरी याद आ गया। उसके यस और उसके नीचे नर्सरी, अब नर्सरी ही चलेगा। 1 2 3 4 5 6 26 तक लिखो, ठीक है? 26 तक लिख दिए। उसका उल्टा भी कर दिए सर। हाँ, उल्टा भी कर दो, उल्टा भी जरूरी है इसमें। अब सबसे पहला टाइप लिखो, सब लिखने के बाद पहला टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? पहला टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन का क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में इन अल्फाबेट सीरीज, पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, लिखेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब अंग्रेजी वर्णमाला कहने का मतलब ASZ में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्ण समझते जाना आप, लिखने से बाएं से 15वां के दाएं चौथा अक्षर, फोर्थ लेटर, चौथा अक्षर क्या होगा? ये एकदम सेम। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नीचे आपके रहेगा, पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे इन अल्फाबेट सीरीज, लेफ्ट से कितना 15वां, के दाएं चौथा लेटर क्या होगा, ये चौथा लेटर क्या होगा, फोर्थ लेटर क्या होगा? अब नंबरिंग आप लोग किए होंगे तो आप लोग अभी सेट करे होगा कि दाएं से 15 मतलब बाएं से 15वां मतलब इधर से चलेगा, फिर इधर गए होगे 15 नंबर पे, क्या होता है 15 नंबर पे वो आता है, पंद्रह फिर इसके दाएं चौथा जोड़े होगे तो यहाँ से दाएं, एक दो तीन चार, फिर एस बनाए होगे, ऐसे किए होगे तो एस आपका आंसर आ गया होगा। आया सबका आंसर एस? जी सर। ठीक है, अब लिखना कि इसको बनाना कैसे है, बनाना कैसे जो हम बताते हैं, तो इसका फॉर्मूला है लेफ्ट, ठीक है? ऐसे लिख देना लेफ्ट, लेफ्ट मतलब पूछ रहा है सबसे पहले जो पूछेगा ना, तो बाएं से पूछ रहा है, सबसे पहले बाएं से पूछ रहा है, तो ए यार बाएं पूछ रहा, प्लीज अभी माइक ऑफ करो प्लीज। बाएं पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, सबसे पहले बाएं यहां पर पूछा है, तो बाएं से, क्लास भी डिस्टर्ब होता है, बोलने वाला भी डिस्टर्ब करता है, ये लोग क्लास करने वाला भी डिस्टर्ब, 7 11 में आता है, तो बाएं से 15वां, तो बाएं सबसे पहले लिखेंगे और लिखेंगे 15 के दाएं प्लस चौथा, ठीक है? कितना हो गया टोटल 19, 19 कौन सा नंबर पे आता है, 19 आता है एस नंबर, तो आपका एस आंसर सही। इसीलिए हम उस दिन आपको बोले थे, आपको लगा होगा मजाक कि हम आपसे मजाक कर रहे हैं, हम बोले थे आपको कि रट लीजिए इसको, जैसे 19 एस पर आता है ना। अब देखिए हम किए क्या, ये जोड़ घटाओ कैसे किए, ये तो जरूरी है आपको लिखना, ABCD याद नहीं है तो सर ऊपर नहीं कीजिए पूरा, ठीक है? रुको सर, अब ये प्लीज देखिए एम प्लस दाएं यदि बोलेगा, बाएं बाएं एवं दाएं, बाएं दाएं लिखो, बाएं दाएं लेफ्ट राइट, तो क्या होगा, ये आपका प्लस होगा, ठीक है? ये आपका प्लस होगा, फिर लिखो दाएं या बाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं, ये भी आपका क्या होगा, प्लस जुटेगा, जैसे 15 4, हम आगे समझाते हैं, आपको कंफ्यूजन होगा, हम आपको क्लियर करते जाते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। बाएं दाएं यदि बोलेगा, दो बाएं दाएं बोलेगा तो प्लस हो जाएगा, दाएं बाएं बोलेगा तो प्लस हो जाएगा, दाएं दाएं बोलेगा, दाएं दाएं मतलब दो बार दाएं। यहां पर देखो भाई मेरे, यहां पर क्या आया, एक बाएं आया, सबसे पहले बाएं आया,
लेफ्ट आया सबसे पहले, देखो सर ये तो समझ रहे हो ना आप लोग कि ये राइट आपका होता है और ये आपका लेफ्ट होता है, ये समझ रहे हो? यस सर। कॉपी में आपके इस साइड राइट होता है, ए बी सी डी इस साइड से लिखते हो, मतलब लाइट लेफ्ट से आप राइट की ओर लिखते हो, ठीक है? तो ये आपका इस साइड राइट है, सबसे पहले आप लोग को यही कंफ्यूजन होगा, ये लेफ्ट है, मतलब ए बी सी डी जब ऐसे लिखेंगे तो हम लोग लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं। दाएं से क्या माइक ऑन ऑन करते हो, स्पीकर पे फोन रखते हो? बरहे समझने वाला है भाई, समझने वाला है, समझो ना तो फिर मजा आएगा बनाने में। थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक मिनट ध्यान दोगे ना तो मजा आएगा बनाने में, और ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिर। और दो मिनट का इसका खेला है बस, यार माइक ऑफ करो ना जिसका स्पीकर। सर साइंस वाला का क्लास आज ना है कि नहीं है? अब देखो सर कर दीजिए, टाइम इधर उधर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कल से नहीं होगा यार, हम बाहर निकले हुए हैं। अबे पढ़ाने दे ना बार बार। अरे अब यार अब देखो बाएं लिखे हैं तो सबसे पहले यहाँ सबसे पहले जो हम लिखे हैं दाएं दाएं माइनस लिखो, जैसे प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, वही वही रिलेशन इसमें आता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो चैप्टर है ना इससे सवाल पूछा जाता है। फिर लिखो बाएं 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 एवं बाएं, और ये क्या है जो हम आपको एकदम जस्ट दो मिनट गौर से देखो, सिर्फ स्क्रीन को गौर से देखो, हम आपको समझाते हैं सही तरीके से क्या लिखे हैं। जो हम देखो क्वेश्चन में लिखे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पंद्रहवां अक्षर, बाएं से पंद्रहवां मतलब एक बाएं लिखे हैं मतलब एक लेफ्ट लिखे हैं, के दाएं मतलब बाएं और दाएं, बस बाएं और दाएं लिखे हैं, एल प्लस आर लिखे हैं, एल और आर है मतलब एल है और आर है, तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। देखो एल प्लस आर मतलब एल लेफ्ट और राइट सिर्फ यदि रहे, लेफ्ट और राइट यदि सिर्फ रहे तो वो प्लस होगा, ठीक है? यदि क्वेश्चन में एक लेफ्ट एक राइट दे दे तो कुछ भी दे, पंद्रह दे चार दे सबको जोड़ देना है। यदि एक लेफ्ट दे, हम बोलेंगे कि बाएं से दसवां के दाएं के दाएं के दाएं पांचवा, ठीक है? ऐसा हम क्वेश्चन दें तो एक लेफ्ट दिए हैं हम एक राइट दिए हैं, यही देखना सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना है कि सर दिए क्या, तो सर एक लेफ्ट दिए हैं एक राइट दिए हैं, जब एक लेफ्ट दिए हैं एक राइट दिए हैं तो सीधे प्लस हो जाएगा पंद्रह, जो पहले आएगा जो पहले लिखा हुआ होगा उसके दिशा में होगा, तो सब जो पहले तो लेफ्ट लिखा हुआ है पहले, तो लेफ्ट से पंद्रहवां कौन सा आता है कोई बताओ, लेफ्ट से पंद्रहवां ओ ओ ओ आता है, वो आंसर। अब यहाँ दो देखो जो हम 10 और 15 बताए थे वहां पे देखो आपका आंसर इससे मिलता है या नहीं, वो आता है या नहीं, देखो क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट से कौन बोले हैं दसवां, ठीक है? तो दसवां लेफ्ट से दसवां जम्मू कश्मीर 10-11 जे आता है जे। अच्छा बताओ आप लोग पहले बताओ, आप नहीं समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं, सुनो पहले आप बताओ लेफ्ट से 17वां नंबर पे कौन है जे, लेफ्ट से 17वें नंबर पे कौन है, 17 नंबर पे 17 नंबर क्यू, ठीक है क्यू, ठीक है? इधर से बोलो राइट से 15वें नंबर पे कौन है, राइट से 15वें नंबर पे क्या जी सर जी, तो 27 एल होगा, एल होगा 12 लव 12 बजे तो एल होगा, देख लो कितना 17-15 नंबर पे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15वें नंबर पे एल आ गया। तो ये जो सर हम क्वेश्चन आपको बताए थे तो ये देखो ऐसे गिनती करने से अच्छा, आपको अभी लग रहा है ना कि गिनती करोगे, हम आगे जो आपको क्वेश्चन देंगे उसमें देखेंगे बाएं से 15वें के दाएं चौथे के बाएं पांचवें के दाएं छठे के बाएं 18वें, अब आप जोड़ते रहो ऊपर, प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा बाएं दाएं वाला तो आप आसानी से करोगे। अब देखो आगे क्वेश्चन करो ना, समझ में आएगा, हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन करो समझ में आएगा क्वेश्चन, टेंशन मतलब हम है ना। हेलो हाँ बोलिए, थोड़ा दोबारा से उसका एक बार और थोड़ा देखो, हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बनाओ जो बना सकते हो वो बना कर दिखाओ, तो मतलब बनाओ बाएं से मतलब बाएं से आठ में
के दाएं दसमा। अब बनाओ तो कोई क्या होगा इसका, अब बनाओ, जब बनाओगे तब समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो समझ में, बनाओगे मेरे साथ तो समझ में आएगा। बनाओ क्या लिखा होगा सर, टी आर होगा, अरे आर 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 होगा सर, दोनों मिलकर 18 आ रहा, कौन कौन क्या बोल रहा है बताओ, आर होगा सर, आर होगा आर सर, आर हां देखो आर सही सब बता रहा है, आ कैसे आर बादशाह इनकमिंग, हां एल एल बाएं से सबसे पहले एक एल दिया है तो सबसे पहले एल दिया है तो 8 लिख दो कंफ्यूजन के लिए, फिर क्या दिया है आर दिया है, आर दिया है तो दसवां लिख दो, ठीक है। हम शुरू कहां से किए थे, जो सबसे पहले देगा वहां से हम लोग को शुरू करना है, तो एक एल दिया है तो एल लिख दिए सबसे पहले, फिर 8 तो 8 लिख दिए, आर दिया है मतलब प्लस कर देंगे, मतलब एल आर अपोजिट अपोजिट है प्लस कर देंगे, अपोजिट अपोजिट देखो अपोजिट अट्रैक्शन होता है ना, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन करेगा ना, तो वही है जो ये इसको जोड़ दो अट्रैक्ट करवा दो, तो 10 और 8 18, 18 किसे आर पे आता है। अगला फिर बनाओ, एक फिर बनाओ, फिर क्वेश्चन बनाओ, हम बनवा बनवा के तुमको कंफ्यूजन दूर कर देंगे, जो कंफ्यूजन हुआ है ना उसको हम दूर कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, बनाओ मेरे साथ सिर्फ बाया एक बार और बता दीजिएगा, मैं लेट हो गया, ठीक हम बता देते हैं, फिर लिखो प्लस माइनस वाला जो है, ठीक ठीक बाएं से पांच में के बाएं, बाएं से पांच में, से पांच में के बाएं दूसरा, अब इसको बनाकर दिखाओ, बाएं बाएं से पांच में के बाएं दूसरा, अब ठीक अब देखिए सर, अब देखिए हो गया यार, अब देखिए सर सबसे पहले हम लेफ्ट लिखे, लेफ्ट लिखे तो लेफ्ट पे 5 नंबर पे लिखे के बाएं दूसरा, फिर लेफ्ट दिया हुआ है तो दिया है 2, अब देखो ये सेम है, लड़का लड़का में दोस्ती होता है नहीं होता है ना, तो सबसे पहले एल लिख दिए, एल लिख दिए तो 5 लिख दिए, फिर एल ही दे दिया है मतलब इन दोनों में अब लड़ाई हो जाएगा, सेम जात का आ गया, दोनों एक ही जात का है, इसलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे आर रहता तो प्लस कर देते, माइनस 2 बराबर 3, और 3 कितने पे आता है, 3 आता है आपके 1 2 3, मतलब सी आंसर। अब कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, दूसरे तरीके समझ आ गया सर, एक मिनट देखो क्वेश्चन में पूछेगा ना भाई, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछेगा कि बाएं से, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन उदाहरण, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है वही लिखो, जो आपके एग्जाम में आया है वो लिखो, क्वेश्चन वही लिखवा रहे हैं, सीधे क्रम में, सीधे क्रम में लिख ऐसे आया हुआ है, लिखो क्वेश्चन सीधे क्रम, अब इसको समझाते हैं अच्छे से, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला, मतलब अल्फाबेट सीरीज ABCD शुरू से वर्णमाला श्रृंखला में बाई ओर से, क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में बाई ओर से, एकदम नहीं पढ़े हो, एकदम सोडा होते आए हो रीजनिंग में, बाएं ओर से 18वें अक्षर, बाएं ओर से 18वें अक्षर, 18वें अक्षर के बाई ओर, क्वेश्चन आएगा के बाई ओर, के बाई ओर, के बाई ओर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर, देखो ये सब लेट से आ रहा है, फिर बोलेगा समझ में नहीं आ रहा, टाइम पे आएगा नहीं, काहे भाजी टाइम पे क्यों नहीं क्लास करने आ रहे हैं, वीडियो मिलेगा ना, पहला दिन था उसलिए पता नहीं चल रहा था, ठीक है अब देखिए सर, स्टार करने से लेकर देखिए सर, अब देखिए सर, अब देखिए हम क्वेश्चन किए सीधे क्रम में, मतलब ABCD सीधे क्रम में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ होता है जेड से भी, जेड एक्स बाई ना होता है, फिर एक्स इस टाइप से भी, मतलब इधर लेफ्ट से भी, सबसे पहले जो नए आए हो देख लो, इसको कहते हैं बायां, कॉपी के आपके इस साइड जो है वो बायां साइड है और इस साइड जो है आपका दायां साइड है,
ठीक है, जब सीटिंग अरेंजमेंट, इससे और ज्यादा हार्ड आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बनाओगे फिर? कोई बात नहीं, हम बनवाएंगे। तो कॉपी के इस साइड आपका बायां है, इस साइड आपका ये राइट है, आपका इस साइड लेफ्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि पहले पढ़ते जाना, हम पढ़ते हैं बच्चा की तरह सीधे क्रम में, समझ गए कि ये भी सीधी सीधे क्रम में लिखा हुआ है। तो वर्णमाला श्रृंखला में, वर्णमाला अल्फाबेट सीरीज में, मतलब ए बी सी डी में, बाई ओर से सबसे पहले कूद पड़ना, जो पहला वर्ड लिखा है ना उसको सबसे पहले कूद पड़ना, पकड़ लेना सबसे पहले बाई ओर से, मतलब पहला वर्ड बाई लिखा हुआ है तो बाई का मतलब इसका क्यों होगा आंसर? अरे यार तो बुझ समझ, यस होगा, यस समझाने दो ना, क्यों बोल रहे हो? तो बाई, अरे यार समझाए, रुक जाइए, रुक जाइए ना सर, नहीं पढ़ाएंगे। बाई ओर से, तब देखो श्रृंखला में बाई ओर से सबसे पहले तो बाई, जैसे पहला वर्ड दाएं बाई, यही दो वर्ड मिलेगा आपको, बाई दाई। अब पहला वर्ड मिले उसको पकड़ के लिख लो नीचे कॉपी पे, तो बाई मतलब एल, लेफ्ट होता है, सबसे पहले लिख लिए लेफ्ट, लिख दिए, ठीक है। बाई ओर से 18वें अक्षर, मतलब फिर लिख लिए 18, 18, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते गए 12वें अक्षर के बाई ओर, फिर बाई मिल गया, फिर लेफ्ट लिख लिए, जो मिलेगा वो लिख देंगे। यदि दायां रहता तो आर लिख देते, मतलब राइट, लेफ्ट राइट, तो समझते होगे ना कि 18वें अक्षर के बाई ओर लिखी श्रृंखला में, बाई ओर से 18वें अक्षर के बाई ओर, 18वें अक्षर के बाई ओर सातवां वर्ण कौन है? बाई ओर सातवां अक्षर, क्वेश्चन भी नहीं दिया आप लोग, सातवां अक्षर बाई ओर सातवां, तो फिर देख लिए दूसरा वर्ड बाई, फिर लेफ्ट लिख दिए सातवां, यहाँ पर लिख दिए सात। अच्छा इतना करने में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आएगा, इतना कर सकते हो? ये हो जाएगा, ये कर लोगे। तो अब जो सबसे पहले लिखे थे, जो सबसे पहले लिखे थे वहां पे एल ऐसे करके लिख देना है आपको, बच्चा की तरह समझा रहे हैं, बनाते बनाते समझ जाओगे, एल लिख देना है, फिर लिख देना है 18, फिर अब देखो कैलकुलेशन करते हैं 18, अब एल के बाद जो भी आए, फिर एल आ गया तो माइनस, माइनस के होगा सर, सात के होगा, के होगा, के होगा, के आंसर के, रुक जाइए ना, आंसर के, अब देखो आंसर के मिलाओ बताने दो, बाई ओर से 11वें नंबर पे आपका कौन आता है? के आता है कि नहीं आता है? के आता है, मेरा नाम है के, ठीक है। तो अब देखो के का सिस्टम फंडा बनाते हैं हम लोग कि क्या क्या कैसे है भाई। तो देखो एल, एल और एल यदि दिया हुआ है, एल और एल दिया हुआ है, मतलब दो दो सिर्फ बाएं दिया हुआ है, बाएं बाएं यदि है तो हम घटा देंगे, यहाँ पे दो बाएं था, बाएं बाएं था, पहला भी बाएं दूसरा भी बाएं, तो हम घटा देंगे, घटा दिए। यदि आपका बाएं दिया हुआ है पहला और दूसरा राइट, मतलब एल आर दिया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यदि आपका लेफ्ट आर दिया हुआ है और एल दिया हुआ है, ये भी दो विपरीत जाति का है, समझ जाओ कि दो गो विपरीत जाति का आदमी रहेगा तो बन जाएगा दोष, ये दोष बन जाएगा। और दो गो सेम जाति, देखो आप यदि सक्सेस हो गए ना तो सबसे ज्यादा सांप कलेजा पे सांप किसके लोटेगा? आपके पड़ोसी का, आपके पड़ोसी का, क्योंकि वो सेम दोसर जाति। हम यदि आप सक्सेस करोगे, मेरे भाई का यदि आप, आपका पटना तो सर वो भी तो खुशी मनाएंगे ना, सुनो ना, यदि आपका पड़ोसी यदि आपका हो जाए तो मेरे को कोई टेंशन है, पर यदि आपका नौकरी हो जाएगा तो हम तो दूर के हैं, कोई बात नहीं, जो नजदीकी रहेगा साला इसको नौकरी होगी, आप 40,000 का महीना ही कमाएगा तो उसको टेंशन होगा सर। तो यही पड़ोसी है, चाचा लोग, हाँ तो यही सब में डीजे बजाएंगे। अरे सुनो तो सर, आप समझ में आने लगा एल और एल, मतलब दो एक, अरे सुनो यार, एल और एल मतलब दोनों सेम कास्ट है, मतलब दोनों एल है, तो ये घटेगा, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एल और आर है, मतलब लेफ्ट प्लस राइट है, दो है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जुट जाएगा। फिर आपका यहाँ पर राइट और लेफ्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? प्लस होगा, प्लस होगा। फिर यहाँ पे आर और आर रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस, यहाँ माइनस।
अब ये फंडा समझ लिए, घटाओ तो ये समझ लिए। यस सर, हमको भी समझ में आ गया सर। प्रेजेंट सर, प्लस माइनस होता था ना सर, सेम तो लग रहा था। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, क्वेश्चन करो, बहुत हल्ला करते हो यार। क्वेश्चन करो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लिखा रहेगा, बाएं से 25वां ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पार कर जाएगा। बाएं से 8वां के दाएं लाएं, मतलब लिख दो 9वां, कौन सा वर्ड होगा? क्यू सर, क्यू क्यू कौन सा सर? क्यू सर, क्यू। ठीक है, क्यू। अब कैसे 17 होगा? क्यू 17। अब कैसे किए बाएं, कैसे किए? तो बाएं सबसे पहले है, सब पहले बोले थे बाएं दाएं पकड़ो, सबसे पहले बाएं दाएं में सबसे पहला ही वर्ड हम स्टार्ट किए पढ़ना सेंटेंस, अब बाएं पकड़ा गया, झट से उसको उठाकर एल लिख दिए, बाएं लिख दिए, एक लिख दिए। अब बाएं से 8वां मतलब 8 लिख दिए, फिर के दाएं मतलब अगला जो है आर है, मतलब आर लिख दिए, तो केम्मा 9वां, मतलब ये क्या है? और जो पहले आप लिखोगे उसको यहाँ पे आंसर में पहले उसको लिखना है, तो पहले जो लिखे तो एल हो गया, यहाँ पर लिखना है सबसे पहले 8, और यहाँ पे बाएं से 8वां के दाएं 9वां है, मतलब कि ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 9, 8, 17 की क्वेश्चन, मतलब क्यू आंसर। अब कितने लोगों को प्रॉब्लम है दाएं बाएं ये एक वाला सिस्टम समझने में? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर कैट निकल जाएगा सर, क्या सर? ऑल गुड सर। इस साइड से मतलब कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, बस ये बता, जैसे यहाँ पर लिखे ना एल इज इक्वल दिया रहता है भाई क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है एल लिखे ना, जो पहले देगा उस साइड से, लेफ्ट साइड एल यहाँ पर यदि पहले, तो एक क्वेश्चन देते हैं लिखना, लिखो दाएं, अब देखते हैं कितने लोग सही करते हो। बादशाह पहले, दाएं से 18वें के बाएं दूसरा लेटर, दूसरा सर। अब देखो, अब सब बना लिए, अब पहला ही लेटर, पहला ही वर्ड हम लोग को क्या मिल गया? पहला ही वर्ड मिल गया हम लोग को क्या? आर मिल गया। ठीक है, तो आर की में दाएं से 18वें मतलब 18, दूसरा बाएं मतलब अगला मिल गया एल मिल गया, अच्छा ठीक, सुनो तो पहले मुझे भी बोलने दो, तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन था, ये लिख लिए, आर सबसे पहले लिखे, 18 लिखे, अब देख रहे हो कि दू जात वाला हो तो इसको हम लोग मिलन मिलाप करवा देते हैं। 18, रुक जा मेरे भाई, 18 2 20, मतलब ये दाएं से 20 है, ये दाएं से 20 है, मतलब 27 में 20 घटा देते हैं तो 7 किसमें, कितने नंबर पे आता है? 26 में जी, 26 में 20 घटा दिए तो कितना आया? 6 एफ नंबर पे। अब एक बार चेक हम लोग अपने डाटा से, एफ होगा, अब जी होगा यहाँ सर आंसर, 27 में, यस सर जी होगा सर, दूसरा है जी हो रहा है ना, जी हो रहा है, क्वेश्चन समझ गए हैं, दाएं से 18वां है तो 9 हो जाएगा सर, आई हो जाएगा, तो फिर 2 पीछे जाएंगे सर, जी होगा। हाँ 27 में घटता है भाई सर, 26 क्यों घटा है सर, एक हमको एक ही 27 में, 27 में, आप देखो, अब सुनो, अब आ गया दाएं से 20वें नंबर पे ये है, ठीक है, दाएं से 20वें नंबर पे, ठीक है, अब आओ दाएं से 20वें नंबर पे हम लोग कौन सा आता है जो यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं कि दाएं से 20, ये उससे कहाँ जा रहा तुम्हें ही जी आएगा सर। अब देखो दाएं से 20वें नंबर पे, अब दाएं से 20वें नंबर पे देखते, 20 आया था ना, तो 1 2 इधर बाएं, इधर दाएं, दाएं से 20वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ गया जी नंबर, तो जी आंसर। पर इसका क्या है, इतना
इतना करने से फायदा क्या है सर, हम सर, हाँ सर, हाँ सर सुनिए सर, वो एबीसीडी को उल्टा लिखकर नहीं कर सकते हैं। अरे तो दाएं से वो सीधा है ना, सीधे वर्णमाला में क्वेश्चन देगा, सीधे वर्णमाला में। तब देखो दाएं से 20वें नंबर पे, तो इसमें 27 में 20 घटा देना तो आ गया 7, दूर रहे तब ज्यादा, क्योंकि लेफ्ट से आपको याद होता है, लेफ्ट से जल्दी याद होता है, एबीसीडी लेफ्ट से सही होता है, एबीसीडी इधर से लिखने में आसान होता है ना। तो 7 कितने नंबर पे आता है? जी, इसका आंसर हो जाएगा आंसर जी। ठीक है सर, एक मिनट सर, 27 से क्यों माइनस करेंगे? 27 से सर इसलिए, 27 को रूल्स फॉलो नहीं किए ना सर, वो ट्रिक है, वो ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, रूल्स जो था दाएं से बाएं गया तो प्लस करेंगे, वो तो यार हो तो गया, वही वही रूल तो फॉलो किया, दाएं से आपका दाएं से बाएं के लिए प्लस किया जाता था, तो 18 प्लस 2 तो 20 होता है ना सर, 20 हुआ ना सर, 20 नंबर पे आएगा। तो ये सर क्या है, दाएं से 20वां नंबर हमारा आंसर है, हमारा आंसर बाएं से 20वां नंबर नहीं है, हमारा जो आंसर है वो दाएं से 20वां नंबर है। तो दाएं से 20वां नंबर कौन सा है? जेड तरफ से है, जेड तरफ से, ये आर लिखा हुआ है, मतलब आर, यार कैसे समझाएं, ये आर लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ रहता तो हम लोग एबीसीडी ऐसे लिखा होता, एबीसीडी ऐसे, सीधा वर्णमाला किसको बोलते हैं, सीधा वर्णमाला लेफ्ट से लिख, हम लोग नाम कैसे, एबीसीडी कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे, डी लेफ्ट टू राइट लिखोगे, पर यहाँ पर है हमारा जो आंसर आया वो दाएं से 20वां नंबर है, दाएं से 20वां नंबर। तो अब आपके पास टाइम है तो दाएं से 20वां नंबर ऐसे 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 करके 20वां नंबर जोड़ दो, टाइम नहीं है तो सीधे 27 में घटा दो, 27 माइनस 20 आ गया 7, वही आपका 27 में से कटेगा, 27 से क्यों घटाएंगे, 27 अरे एक बचेगा ना, एक बचता एक होगा ना, एक तो वही आंसर होगा ना, वो तो जो एक से घटेगा तब ना आएगा, एक जो भाई सर को बोलने देना, ये जो लास्ट में ज्यादा तेज बन रहा है, तुम टीचर है, अरे सुनो तो लड़ते मत, झगड़ा ना भाई, जो 27 देखो कितने नंबर पे आता है, ये 7वां राइट से 20वां नंबर पे है ना, राइट से ये 20वां नंबर पे है, तो राइट से 20वां नंबर पे जेड भी आ गया और यहाँ पे ये जी भी आ गया, ये वाला क्वेश्चन फिर से समझाइए ना, देखो फिर से हम अच्छे से समझाते हैं, देखो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आया है इसलिए इतना हम इस पर मेहनत थोड़ा सा कर दे रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग दाएं लिखते हैं, दाएं तो आर लिख दिए, आर लिख दिए, दाएं है ना, पहले दाएं, पहले सुनो, ओ ये क्या हो गया, अब आओ सर, पहले आप लोग ये बताओ, हमारा पेज कॉपी का पेज होता है, एग्जाम का सेंटर होता है, इसमें दाएं ये क्या है, ये दाएं होता है, ये हमारा बाएं होता है, ए बी सी डी हम कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी ई, क्या हो गया इसको, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो होता है, तो ये हमारा ए बी सी डी जो होता है ये वो सीधा क्रम में लिखा हुआ है, सीधा क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, ये ए बी सी डी जो है वो ये सीधा क्रम में लिखा हुआ है, अब ये ए बी सी डी जो है वो उल्टा क्रम में लिखा हुआ है, जेड बाई एक्स, ये ए बी सी डी जो है आपका उल्टा, ये सीधा क्रम में लिखा हुआ है, ये उल्टा क्रम में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन बोलेगा दाएं से 20वां नंबर कौन आएगा, तो दाएं से 20वां नंबर मतलब दाएं, इधर दाएं है, तो हम क्वेश्चन इधर से 20वां नंबर आपसे किए ना, न कि इधर से किए, इधर से बोले दाएं से 20वां नंबर। अच्छा एक बात बताओ, ये आम है, ये केला है, देखो तुम लोग समझ जाओगे, सेब अमरूद, ये भी जो मेरा है ना, ये लैपटॉप भी है जो दो नंबर आदमी है, सही नहीं चलता, अमरूद, पपीता, अब समझ जाओगे, नारंगी, चेंज कर नारंगी, अच्छा नया लैपटॉप चेंज कर दिया, नारंगी, अब बताओ दाएं से तीसरा फल कौन सा है, दाएं से तीसरा फल कौन सा है, अमरूद, दाएं से तीसरा फल क्या है, अमरूद है, ठीक है, तो यही चीज बाएं से यही चीज बाएं से कितने नंबर पे है ये बताओ, तो चौथे नंबर, यही चीज बाएं से चौथे नंबर पे है,
पर टोटल देखो एक दो तीन चार पाँच छ छ है, तो छ में से यदि तीन घटाओगे तो तीन आएगा, छ में से तीन घटाओगे तीन आएगा, मतलब कि हमारा आंसर सेव आ जाएगा। तो इसीलिए सात में से तीन घटाते हैं और जो हमारा चार आएगा वो आंसर होगा हमारा बाएं से। अब इस ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है कि इधर से जब हम काउंट करेंगे तो इधर से हम नारंगी भी ऐड कर लिए, इधर से हम सेव भी ऐड कर लिए, दोनों ऐड कर लिए, जबकि दोनों को ऐड एक को छोड़ना था। जब इधर से बोलते हैं कि सर दाएं से तीसरा नंबर क्या है, तो दाएं से तीसरा नंबर अमरूद है एक दो तीन, तो वही चीज बाएं से पूछेंगे तो एक दो तीन चार अमरूद ही बताओगे, तो बाएं से चौथा नंबर पे है। पर देखो सात यदि टोटल छः है, जैसे आप छब्बीस टोटल छब्बीस लेटर होता है, तो छब्बीस यहाँ भी टोटल कितने फल हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः फल, तो बोलोगे सर छः में से तीन घटाएंगे तो तीन आया, मतलब बाएं से हमारा आंसर सेव होना चाहिए, आपके हिसाब से सेव आंसर होना चाहिए बाएं से। अच्छा बताओ, समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया सर, आपके हिसाब से इसलिए 27 है। एबीसीडी लिखने का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था पूछना था, हां कि अगर हम दाएं से अगर बाएं की तरफ आएंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा और दाएं से बोलेगा कि बाएं की तरफ, उसमें हमेशा माइनस करेंगे? हाँ, जितना रहेगा उससे एक ज्यादा करके माइनस करें, यही आपका देखो यही चीज होता है। एक क्वेश्चन जो रीजनिंग में आपके पूछे जाते हैं, देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं रीजनिंग में, ये भी क्वेश्चन आया है पीडब्ल्यूसी के पिछली बार एग्जाम जो ऑनलाइन हुआ था उसमें, ये क्वेश्चन देखो आया था, ये क्वेश्चन आया था उसमें एक कि मोहन का स्थान, एकदम सेम यही क्वेश्चन आया है। अब बताओ तुम लोग आंसर दो, मोहन का स्थान दाएं से अठारहवां तथा बाएं से बीसवां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब बताओ आंसर दो, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? 27 ये सर 27 है, 27 मोहन 37 सर 37 मोहन का स्थान दाएं से 18 सेम वही चीज 37 दोनों को जोड़ कर एक माइनस कर देते हैं। आर से दाएं से 18 है, तो दाएं से 18 है, ठीक है, और बाएं से किमा नंबर पे है मोहन, बाएं से 20 नंबर पे है, तो टोटल लड़का, अब बोलोगे सर टोटल लड़का कितना है, तो 20 + 18 - 1 मतलब की 37 लड़का टोटल यहाँ पे आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपके आया है एग्जाम में, तो सर बताइए यहाँ पर एक माइनस क्यों किए, बताइए? इसलिए किए सर कि जब मोहन को हम दाएं से काउंट कर रहे थे, अब यहाँ से दाएं से काउंट कर रहे थे मोहन को, तो इधर से काउंट कर रहे तो 18वें नंबर पे तो आ गया मोहन, और इधर से भी काउंट किए मोहन को तो 20वें नंबर पे फिर मोहन ही आ गया, तो यहाँ पर दो दो मोहन को हम जोड़ दिए, यहाँ पर दो दो मोहन को जोड़े ना सर, इधर से किए तो 18वें नंबर पे वाले मोहन को भी जोड़ दिए, और इधर से काउंट किए तो 20वें नंबर वाले भी मोहन को जोड़ दिए, मतलब दो दो मोहन जोड़ दिए, तो एक मोहन घटा, तो इसीलिए 37 आंसर। सर एक मिनट, एक राइट एक लेफ्ट होगा? हाँ सर राइट लेफ्ट होगा, दोनों राइट लेफ्ट होंगे, राइट लेफ्ट होगा सर। अब देखो क्वेश्चन करो तुम लोग, हम क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन सेम जो जितना इसमें और उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आएगा यार, ये तो एकदम बेसिक था। सर डबल वाला बताइए सर, क्या डबल वाला? जिसमें सर रहेगा दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं देन फिर दाएं से बाएं रहेगा, यार तो वाला बताइए पहले, ये कंफ्यूजन दूर हो जाए सर सबका, तब तो ये कंफ्यूजन दूर होना जरूरी है। इसमें सबका कंफ्यूजन दूर हो गया, इसमें बताओ सबका कंफ्यूजन दूर हो गया? सर कंप्लीट, यस सर, नो बोलो, यस सर हो गया, नो बोलो कोई सर, लेकिन पीडीएफ डाल दीजिएगा होमवर्क के लिए। पिछला वाला भी नहीं डाले थे सर, ठीक है क्लियर है, ये वाला क्लियर है, बताओ
अल्फाबेट का क्वेश्चन है, कर्म विनिमय वाला जो होता है वही है। हाँ हाँ, तो अल्फाबेट इसमें एबीसीडी नहीं आया सर। तो वही तो सर, हम अल्फाबेट में पढ़े थे इसको। अब देखो, अब क्वेश्चन लिखो, पहला नंबर सब बनाएगा, सब बनाएगा। लिखो पहला, दाएं से ही स्टार्ट करते हैं। दाएं 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 से पंद्रहमा, पंद्रहमा के बाएं चौथा। अगला क्वेश्चन चुपचाप रहना, तीन क्वेश्चन देते हैं। बाएं से दसमा, बाएं से दसमा के बाएं छठा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बाएं से सोलहमा, सोलहमा के दाएं चौथा। दो बाएं एक और दाएं वाला दे देते हैं। दाएं से अठारहवा के दाएं, के दाएं, दाएं से अठारहवा के दाएं दूसरा। अब चार क्वेश्चन आप बनाओ। इन चार, पहला का एच होगा सर, दूसरा का डी होगा, तीसरा का टी होगा, चौथा का के होगा। पहला का डी है, पहला का क्या होगा? एच होगा। पहला का एच, डी टी, दूसरा का डी, तीसरा का टी, दूसरा का डी, डी, तीसरा का टी, तीसरा का टी, लास्ट का के। अब देखो सब, सब लोग बनाए हो, सब बनाए हो कि बना रहे हो? यस सर, बना हो गया सर, बना रहे सर सब। हाँ, सबको बना, देखते हैं कौन कौन क्लास में है, करता कौन है और कौन भाग गया है। सर बोर्ड को ओपन कीजिए ना। कर रहे सर, लास्ट वाला दिखाई, लास्ट वाला हम सॉल्व नहीं किया, लास्ट वाला फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर, लास्ट वाला सॉल्व नहीं किया है। एक मिनट एक मिनट, अब ये चार क्वेश्चन है, तो इन चारों क्वेश्चन को अब हम करें, सॉल्व करते हैं। हाँ सर। अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन जो है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, तो पहला नंबर दाएं पकड़ लेते हैं, ठीक है, दाएं पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आर लिखते हैं, ठीक है, आर दाएं पकड़ लेते हैं। का के सही है सर, तीसरा दाएं से पंद्रहमा, ठीक है। अगला क्या दिया है, बाएं, तो लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है, के चौथा, ठीक है। तो आर आंसर बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे आर, तो पंद्रह, दोनों दू जात है, मतलब इसको जोड़ देंगे, पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस हो गया, ठीक है, उन्नीस। मतलब कि दाएं से उन्नीस, दाएं से उन्नीस, तो सत्ताईस में घटा देंगे शॉर्टकट के लिए, जल्दी बनाने के लिए, मतलब नौ आठ सत्रह और दो में से एक, में से एक गया, हो गया सर, एच, एच कितने नंबर पे आता है आपका, आठ नंबर पे, ये बाएं से हो गया। यदि होगा, यदि अब यहाँ पे कंफ्यूजन तुम लोग किए हो गए, तो समझ गए ना कि जब आर आ जाए आंसर में, आर आ जाए, आर आ गया आंसर में, आर आ जाए, तो सबसे पहले आंख बंद करके याद कर लो कि सर आर आ जाएगा ना, तो सबसे पहले हम आठ से सत्ताईस में से घटा देंगे। ये याद कर लो कि सर आर आ गया आंसर में, आगे में आर आ गया, तो सत्ताईस में से घटा देंगे, सत्ताईस में से सर घटा दिए तो बच गया क्या, आठ, सर आठ बच गया ना, तो वही हमारा दाएं से उत्तर होगा, बाएं से वही हमारा उत्तर होगा, तो बाएं से आठ नंबर पे क्योंकि याद होता है, तो आपका एच, ये आपका आंसर हो गया। एच कितने लोगों का आया था बताओ? मेरा आया था सर, मेरा करेक्ट है सर, मेरा भी सर आया है सर। सर प्लीज बोर्ड, सर जितना भी सर आंसर दिया था ना, सबका सर सही आया था सर। ठीक ठीक, आप देखिए, लेकिन पहले कौन दिए यही देखिए। आपका भी नाम केशव है, मेरा भी नाम केशव है जी, तो अपना दोनों एकदम पक्का मित्र हो गए। स्टूडेंट वाला क्वेश्चन था ना, वो एक बार वैसा ही क्वेश्चन और रिपीट कीजिएगा तो सर। अब देखो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, चार क्वेश्चन में सबको कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। बाएं से दसमा, मतलब बाएं से दसमा, ठीक है, बाएं से दसमा, सबसे लिख दिए
के बाएं कितना छठा, ठीक है। अब ये सबसे पहले लिखना जरूरी होता है, बगल में इसका माहौल पहले बनाने के लिए माहौल बनाना पड़ता है, तो हम लोग माहौल बना दिए। अब माहौल बना दिए, माहौल बनाने के बाद अब कांड करने में मजा आता है। तो सबसे पहले एल लिख दिए, एल लिख दिए तो दस लिख दिए इसके बगल में, ठीक है। और दस के बगल में अब ये देख रहे हैं सेम जात हो गया, जलन वाला कहानी आ गया है। तो यहाँ पर मायने छः कर दिए, घटा दिए, अब हो गया क्या चार, चार मतलब लेफ्ट से, तो लेफ्ट से चार तो हम लोग के लिए आसान होता है, होता है या नहीं। खेला कहाँ गड़बड़ा जाता है ममता बनर्जी वाला, जब राइट से यहाँ पे कहानी आ जाता है। यहाँ पे तो लेफ्ट से कहानी आ गया तो सब सही है, तो सीधे डी आंसर मार दोगे क्या? यस सर। अब किन्हीं को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। एकदम क्लियर कर दोगे? नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम सर। पांडे जी नहीं बोल रहे, पांडे जी समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, आप नहीं बनाए लगता है, आपका दिमाग में नहीं चल रहा है। अरे सर बनाए थे यार, इतना बोल रहे हैं, हम क्यों बोले? हाँ हाँ सही बात है। अब तीसरा नंबर हम लोग चलिए बनाते हैं, जो नहीं अब की बार समझ जाना। अब सबसे पहले पकड़ते हम लोग नस, अब नस नबज पकड़ने में सबसे पहले बाएं पकड़ा गया तो एल लिख दिए यहाँ पर बाएं। अब सोलहमा मतलब सोलह लिख दिए, सोलह लिख दिए। फिर दाएं लिख दिए मतलब आर, आर लिख दिए। इसका क्रम है चौथा नंबर, ये हमारा माहौल बन गया। अब माहौल बन गया, अब आगे हम लोग फिल्म स्टार्ट करते हैं। तो एल लिख दिए, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है सोलह, सोलह। अगला आया है आर, मतलब कि प्लस होगा चार, बीस, बीस आ गया। कितने पे आता है बीस? बीस का कितने पे आता है? ट्वेंटी। स्टूडेंट टिकट उन्नीस बीस होता है। टी आंसर सर, टी होगा। हाँ टी, समझ गए, जो टी, पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस। अब देखो अगला 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 करते हैं। अब किस किन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों को अब आराम से समझाएंगे अच्छे से बाद में। अब अगला एक और बनाते हैं। कोई ऐसा है जो नहीं समझा, सिर्फ हाँ बता, हाँ बोल दो ना, इसमें लाज वाली क्या बात है, हम समझाएंगे ना फिर आराम से कि सर नहीं सर। अभी भी नहीं समझ में आया, ये का मॉडल कर दीजिए सर। क्या, कौन कौन बोला? इसका मॉडल कर दीजिए सर। ठीक है, हम समझा देंगे अब फिर। पांडे जी, अरे भाई मजाक कर रहे थे, प्रॉब्लम आप देखिए। अरे नहीं, हम आधा घंटा लेट ज्वाइन किए थे। ओ भाई, हम जानते हैं भाई, ज्वाइन किए तो हम देखे। अब चौथा नंबर देखो, ये तो सर फिर आप गलती कर रहे हैं, आप मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगवाना दे। अब देखो दाएं से अठारवा, कुत्ता जैसा भूख रहे, पानी भी नहीं पिए यार, पानी पिला दो। दाएं से उधर बोल रहे हैं, ला के दे रहा है। दाएं से अठारवा, अब हो गया कहानी खत्म ही हो गया, काम पे जाना है मेरे को। दाएं से अठारवा, सबसे पहले दाएं मतलब आर लिख दिए, दाएं से अठारवा मतलब अठारह लिख दिए। के दाएं मतलब फिर आर आ गया, तो फिर आर आ गया के दूसरा, ये लिख दिए, माहौल बन गया। सबसे पहले आर लिखे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले माहौल बना देते हैं आर से, आर लिख दिए। अब आर लिख दिए तो अट्ठारह लिख दिए। एक जात है लड़ाई करेगा, माइनस कर दो, दो मतलब सोलह। अब देखिए सर, ये सोलह आ गया, ये सोलह उत्तर आ गया, फंस गया, यहाँ आर आ गया, आर आना नहीं चाहिए था, आर आ गया, आंसर आएगा नहीं सर। तो ये बताइए, सत्ताईस में से सोलह घटा दिए, सात में से छ गया एक, और दो में से ए सर के आपका हो गया आंसर। आप बताइए सर कि इन सभी क्वेश्चंस को करने में आपको प्रॉब्लम होगी? नो प्रॉब्लम सर। नहीं होगी सर, एच डब्ल्यू दे दीजिए, हम बात दे दीजिए। नो प्रॉब्लम सर। अब इसका सर एक दो सर क्वेश्चन करवाइए आंसर, अगला टाइप करवाएं, जो तीन तीन चार चार बार रहेगा, तीन तीन दाएं बाएं दाएं बाएं का जो कैंचिया, अभी सर करवाइए, करा दीजिए, जो कैंचिया चार्ज करेगा उसको करवाएं। आप देखो जो कैंचिया चाल चलता है, अब कैंचिया चाल नहीं काम में है मेरे को। चलो तो आज आज भर रहने के लिए दो, अगला मैं जल्दी से खत्म कर नहीं सर करिए ना, कल समझ सुनिए ना, कहीं जाना है यार, जाना है भाई।